أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ترجمة तुम फरमा दो मैं तुमसे नहीं कहता मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं और ना ये कहूँ कि मैं आप गैब जान लेता हूँ और ना तुमसे ये कहूँ कि मैं फरिश्ता हूँ मैं तो उसी का ताबिया हूँ जो मुझे वही आती है। तुम फरमाओ क्या बराबर हो जाएंगे अंधे और अंखियारे तो क्या तुम गौर नहीं करते। इसी तरह ये तो कंजुल ईमान का तर्जुमा हो गया। कंजुल इरफान का तर्जुमा इसका इस तरह है कि ए हबीब तुम फरमा दो मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं और ये नहीं कहता हूँ कि मैं खुद गैब जान लेता हूँ और ना तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ मैं तो सिर्फ़ उस वही का पैरोकार हूँ जो मेरी तरफ आती है। तुम फरमाओ कि अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं तो क्या तुम गौर नहीं करते। अब इस आया मुबारका की एक तफसीर या तफसीर के चंद पहलू आज देख लेते हैं। बड़ी तफसील है इस एक आया मुबारका में कि इसकी इस आया मुबारका की तफसीर के लिए मुझे घंटा डेढ़ घंटा शायद दरकार हो इसलिए एक नशिस्त में इसकी तफसीर पूरी नहीं करूँगा एक एंगल बयान करता हूँ। कुफार का तरीक़ा था ये कुल जो है ना तुम फरमाओ कुफार का तरीक़ा था कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के सवाल करते थे। कभी कहते कि आप रसूल हैं तो हमें बहुत सी दौलत और माल दे दें ताकि हम कभी किसी के मोहताजी ना हो हमारे लिए पहाड़ों को सोना के बना दें नदियाँ निकाल दें। कभी कहते कि देखें आइंदा की गुज़िश्ता सारी खबरें सुना दें हमें मुस्तकबिल का हाल बता दें ताकि हम भी मुनाफा हासिल करें हमें बता दें कि ये हम जा रहे हैं ना ये काम करने के लिए इसमें फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा तो नहीं करेंगे। कभी कहते कि हमें क़यामत का वक्त बता दें कब आएगी। कभी कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रसूल हैं खाते पीते भी हैं निकाह भी करते हैं हमारी तरह इंसान है। उनकी इन तमाम बातों का इस एक आयत में अल्लाह ने जवाब दे दिया कि तुम्हारा ये कलाम नहायत ही जाहिलाना है बेमहल है क्योंकि जो शख्स किसी चीज़ का दावा करता हो उससे वही बातें दरियाफ़ की जा सकती हैं जो जिस चीज़ का वो दावा करता है जो उसके दावे से ताल्लुक़ रखती हैं। गैर मुतालिक बातों का दरियाफ़ करना और उसको उनके दावों के ख़िलाफ़ ये दलील हुज्जत बनाना एक इंतहाई दर्जे की जहालत है। अब मेरे पास कोई आ जाए कि भाई आप तो दर्स देते हैं कुरान का और आप दर्स देते हैं हदीस का आप सीरतुन्नबी में बात करते हैं आप चूँकि तारीख़ के मुतालिक भी बात करते हैं अब आप ऐसे बताएं कि कोरोना के का इलाज क्या है। बंदा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि पूछने वाले का मैं क्या करूं भाई इस पूछने वाले का मैं क्या करूं इस तरह के बेतुके सवाल है ना तो कोरोना का इससे क्या ताल्लुक भाई। वही इसी किस्म की बातें वो जाहिलाना करते थे गैर मुतालिक बातें दरियाफ़ करते थे और गैर मुतालिक बातों के ऊपर फिर दलील बना के कहते थे कि अल्लाह के नबी नहीं है। इसलिए इरशाद हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि मेरा दावा तो ये नहीं है कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं जो तुम मुझसे मालो दौलत का सवाल करो और मैं तुम्हें और अगर मैं तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक तुम्हारा दावा पूरा ना करूँ तो तुम रिसालत के मुनकर हो जाओ और ना मैं दावा करता हूँ कि मैं ज़ाती गैबदानी का इल्म रखता हूँ कि अगर मैं तुम्हें गुज़िश्ता या आइंदा की खबरें ना बताऊँ तो मेरी नबूवत के मानने में तुम बहाने कर सको और ना मैंने फरिश्ते होने का दावा किया कि खाना पीना और निकाह जो है वो काबिल एतराज़ हो। तो जिन चीज़ों का दावा मैंने किया ही नहीं उनका सवाल करना तो बेमौका है बेमहल है और ऐसे सवाल को पूरा करना भी मुझ पर लाजिम नहीं है। मेरे दावा तो नबूवत और रिसालत का है और जब इस पर जबरदस्त दलीलें और कवी बुरहान कायम हो चुकी तो गैर मुतालिक बातें पेश करने का क्या मारी। अच्छा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के इनकार करने वालों का यह रद्द भी है। आप कहेंगे वो कैसे यही आया मुबारक ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से मुतालिक ये बाकी जो है ना आले सुन्नत के अलावा जो लोग हैं ये इसको बड़ी दलील बनाते हैं। देखो कुरान कहता है हुजूर खुद कह रहे हैं। अच्छा इससे साफ वाज़े हो गया कि इस आयत करीमा को ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैब पर मुतल्ला किए जाने की नफ़ी के लिए सनद बनाना ऐसा ही बेमहल है जैसे कुफार का इन सवालात को इनकार नबूवत की दस्तावीज़ बनाना बेमहल है। अब देखे ना ये इस कलाम को पढ़िए अब दोबारा
गौर करें, अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि ऐ हबीब आप फरमा दें, तुम फरमा दो, मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने, और ना ये कहता हूँ कि मैं खुद गैब जान लेता हूँ, ना तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ इस वही का पैरोकार हूँ जो मेरी तरफ आती है, और यही नबी का काम है, लिहाजा मैं तुम्हें वही दूंगा जिसकी मुझे इजाज़त होगी, और वही बताऊँगा जिसकी इजाज़त होगी, और वही करूँगा जिसका हुक्म मिलेगा। इस आयत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म अताई की नफ़ी किसी तरह मुराद ही नहीं है, क्योंकि सूरत में आयतों का तारुस का कायल होना पड़ेगा और वो बिल्कुल बातिल है। यही तफसील आपको तफसीर खाजन में भी मिलेगी, मदारिकुल इनाम में भी मिलेगी। अच्छा, अल्लामा निज़ामुद्दीन निशापुरी, हसन बिन मोहम्मद निशापुरी, अल्लामा निज़ामुद्दीन हसन बिन मोहम्मद निशापुरी इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि देखो इरशाद हुआ कि ए नबी फरमा दो कि मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं। यहाँ ये नहीं फरमाया कि अल्लाह के ख़जाने मेरे पास नहीं, बल्कि ये फरमाया कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने, ताकि मालूम हो जाए कि अल्लाह के ख़जाने हुजूर के पास है, मगर हुजूर लोगों से उनकी समझ के काबिल बातें फरमाते हैं। इसलिए आपने इनसे ये ऐसा फरमाया कि और वो ख़जाने तमाम अशिया की हकीकत व माहियत का इल्म है। हुजूर ने उसी के मिलने की दुआ की और अल्लाह ने कबूल फरमाई। फिर फरमाया मैं नहीं जानता, यानी तुमसे नहीं कहता कि मुझे गैब का इल्म है, वरना हुजूर तो खुद फरमाते हैं मुझे माकाना वमा यकून का इल्म मिला, यानी जो कुछ गुजर गया और जो कुछ क़यामत तक होने वाला है सारा इल्म अल्लाह ने मुझे अता किया। तफसीर निशापुरी में ये राय आती है, इनका कौल आता है हजरत निज़ामुद्दीन निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह का। अच्छा, इस आयत के आखिर में फरमाया कि क्या अंधा और देखने वाला बराबर हैं, तो इससे मुराद ये कि मोमिन और काफिर और आलिम और जाहिल बराबर हैं। ये कहना अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात है। तो अब आ जाएं इसके, इस आयत को इस्तेमाल करते हैं ना कुछ लोग अपने एजेंडे का इजहार करने के लिए, कि बाज़ परेशान ख्याल लोग इस आयत करीमा में गौर किए बगैर इस वहम में मुब्तला हो जाते हैं कि हुजूर फ़ख्र मौजूदात अलैहि सलातु वस्सलाम के पास इल्म में, इख्तियार में, बशरी कमजोरियों में आप आम इंसानों की तरह हैं, माज़ल्लाह। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े इरशादात बुखारी और मुस्लिम में मौजूद हैं कि मैं तुम्हारी मिसल हूँ ही नहीं, मैं तुम्हारे जैसा हूँ ही नहीं, मैं तुम्हारी हैयत पे हूँ ही नहीं। सिहा सित्ता उठा के देखो मेरे भाई, ये पता नहीं सिहा सित्ता के दुरूस जब अपने तलबा को पढ़ाते हैं तो ये हदीसें या जम कर जाते हैं, बयान ही नहीं करते, या इसके ऊपर से सरसरी गुजर जाते हैं, या फिर पता नहीं क्या है आगे बुत बैठे हैं कि ना सुनते हैं ना समझते हैं। वो पहले वो एक पट्टी पढ़ा देते हैं, फिर उसी पट्टी पे गाड़ी चला देते हैं। काश वो इस आयत को, इन मुख्तसर अल्फाज को ज़रा तदब्बुर से सोचते कि कुदरत ने पहले ही इनका इजाला फरमा दिया और बता दिया कि तुम में और मेरे महबूब में इतना फ़र्क है जितना अंधे और बीना में है। इसी आयत में है ना। अब खुद समझ लो कि जिसकी आँखें अल्लाह ताला के नूर से रोशन हो और जो तह दह तह अंधेरों में भटक रहा हो, क्या ये लोग बराबर हो सकते हैं? क्या उसकी हमसरी वो लोग कर सकते हैं जो दूरी के हिजाबों के पीछे सर पटक रहे हैं? अफला ततफक्करून, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? क्या तुम गौर व तदब्बुर नहीं करते? देखें ना, कुरान करीम अल्लाह ताला ने देखें कितना वाज़े फरमाया कि देखें आप कहिए मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना मैं अज़ खुद गैब जान लेता हूँ, और ना मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। तो अब इस आयत का माना ये है, क्योंकि हदीस मुबारक में इसकी फिर तफसील आ गई ना, जब दीगर हदीस मुबारक में तफसील आ गई, वो ख़जाने की कुंजी वाली हदीस, हुजूर के इल्म से मुतालिक हदीस, वो हदीसें मैं आपको पहले बड़ी तफसील के साथ दे चुका हूँ, आइए फिर उनको देख लेते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ हमारे दरमियान आप क़याम फरमा हुए और आपने मखलूक़ात की इब्तिदा से लेकर जन्नतियों के जन्नत में दाखिल हो जाने और दोज़खियों के दोज़ख में दाखिल हो जाने तक हमें सब कुछ बता दिया। जिसने इसे याद रखा याद रखा, जो इसे भूल गया भूल गया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है किताब अस-सही में, किताब है बदउल खल्क में, उसमें बाप कायम किया है माजा फ़ी क़ौलिल्लाहि तआला वहुवल्लज़ी यब्दउल ख़ल्क़ थुम्मा युईदुहु, और उसमें फिर इस रिवायत को लेकर आते हैं। बहरहाल
इसी तरह मैंने आपके सामने और कई रिवायतें इस ज़मीन में बयान की। मुस्लिम शरीफ की रिवायत भी हज़रत हुज़ैफ़ा वाली कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान एक मुकाम पर खड़े होकर ख़िताब फरमाया, आपने अपने उस दिन खड़े होने से लेकर क़यामत तक की कोई ऐसी चीज़ ना छोड़ी जिसको आपने बयान ना फरमा दिया हो, जिसने उसे याद रखा जो इसे भूल गया। ये सही मुस्लिम की रिवायत, और फिर इसके अलावा सही बुखारी में भी ये रिवायत आती है, मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है। इलावा अज़ीम सुनन अबी दाऊद में आती है, इसी तरह इसको इमाम अहमद भी रिवायत करते हैं, अल मुस्नद अल बज़ार मुस्नद अशामैन कई कुतुब हदीस में आती है। तो बहरहाल कहने का मकसद है कि अब इतना वाज़े अगर हदीसें मौजूद हों तो कोई इन हदीसों को जो बुखारी और मुस्लिम की है मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीसें हैं उनको फिर कुरान को तआरुज़ में ले आने वाली बात है ना ये कि हुजूर के इल्म को अगर आप छोटा कर दें। यही वजह है कि हम जो इन्हें कहते हैं ना ये गुस्ताख है, इन्होंने एक अपना माइंडसेट बनाया हुआ है, उस माइंडसेट के ऊपर कुछ नहीं उतरता ना तो उसको बदल देते हैं। इसी तरह वो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वाली रिवायत है जिसके अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और मैं जान गया जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत मुबारक तिलावत फरमाई, वकذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين। ये सूरह अनआम की रिवायत। अच्छा, हज़रत मुआज़ इब्ने जबल से मरवी है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया और मुझ पर हर शय की हकीकत जाहिर कर दी गई है जिससे मैंने सब कुछ जान लिया। इसी तरह हज़रत अबू उमामा से मरवी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस मुझसे दुनिया और आखिरत के बारे में किए जाने वाले सवालात के जवाबात मैंने उसी मुकाम पर जान लिए। और एक और रिवायत के अल्फाज हैं कि और मैंने दुनिया और आखिरत की हर एक शय की हकीकत भी जान ली और देख भी ली। हज़रत जाबिर बिन सुमरा वाली रिवायत में अल्फाज हैं कि आपने फरमाया, बस मुझसे जब भी किसी चीज़ के मुतालिक सवाल किया गया तो मैंने उसे जान लिया, बस इसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझसे किसी शय के मुतालिक सवाल किया गया और मैं जानता ना हूँ। अब ये तमाम बातें किस दिन से मुतालिक हैं? अब वो रिवायत हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वाली के हुज़ूर ने फरमाया, मेराज की रात मेरा रब मेरे पास अपनी शान के लायक नहायत हसीन सूरत में आया और फरमाया, या मोहम्मद। मैंने अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार मैं हाजिर हूँ, बार बार हाजिर हूँ। फरमाया, आलम बाला के फरिश्ते किस बात पर झगड़ते हैं? मैंने अर्ज़ किया, ए मेरे रब मैं नहीं जानता, बस अल्लाह ने अपना दस्त कुदरत मेरे दोनों कांधों के दरमियान रखा और मैंने अपने सीने में इसकी ठंडक महसूस की और मैं वो सब कुछ जान गया जो मशरिक़ व मगरिब के दरमियान है। ये तमाम रिवायतें अगर आप उठा के देखें, इसको इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, इसी तरह जो है इमाम तबरानी ने, इमाम अहमद ने, इमाम रोयानी ने, इमाम अबू याला ने, इसी तरह इमाम इब्ने अबी शैबा ने, इमाम शैबानी ने, अब्द इब्ने हुमैद इसको अल मुस्नद में, इब्ने अबी आसिम रिवायत करते हैं, हकीम तिर्मिज़ी, इमाम मुनज़री तरगीब व तरहीब में, इमाम ये इब्ने अब्दुल बर रिवायत करते हैं तमहीद में, इब्न नज्जाद रिवायत करते हैं, इमाम हैसमी रिवायत करते हैं, यानी कितनी ही इसकी रिवायतें हैं। और इमाम तिर्मिज़ी जो रिवायत करते हैं वो कहते हैं, हादा हदीसुन हसनुन सहीहुन। फिर इसके अलावा जो है जो मज़ीद रिवायतें उनमें भी है, इस्नादु हसनुन व रिजालुहु सिकातुन। तो ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से मुतालिक चंद एक रिवायात मैंने आपके सामने जमा की हैं। और वो रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु वाली जो मुत्तफ़क़ुन अलैह बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जामिउ कलिमात के साथ मबऊस किया गया हूँ, जवामिउल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब, और रोब के साथ मेरी मदद की गई और जब मैं सोया हुआ था उस वक्त मैंने खुद को देखा कि ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ मेरे लिए लाई गईं और मेरे हाथ में थमा दी गईं। ये बुखारी की रिवायत है मेरा भाई और मुस्लिम की रिवायत है। तो अब आप मुझे बताएं, फिर सुनन निसाई में भी आती है, इमाम अहमद इब्ने हम्बल इसको लाते हैं अल-मुस्नद में, इमाम इब्ने हिब्बान इसको अस-सही में लाते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि इल्म की रिवायत भी आ गई और कुंजियों की रिवायत भी आ गई और बुखारी और मुस्लिम की ये मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायात हैं। अब कोई अगर इन आयात की तफसीर अपनी मर्ज़ी से सिर्फ अपने बड़ों को बचाने के लिए करे तो अब हम उसका क्या करें? हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो उसको यही कहेंगे कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस कर रहा है, गुस्ताख है। अब हमारे इस गुस्ताख कहने पर उन्हें मिर्ची लगे तो अब हम क्या करें?
हम तो वही कह रहे हैं जो कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को हुजूर की हदीस मुबारक से बुखारी और मुस्लिम से साबित कर रहे हैं। उसके बाद भी कोई ना माने तो अब हम क्या करें, हम तो नहीं कुछ कर सकते। इस पर अभी तफसील जारी है, ऐसी बात नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा कि इस आया मुबारका की बहुत लंबी तफसीर है, मैं तो इख्तिसार से बाज़ अहादीस आपके सामने जमा कर रहा हूँ। अगर सारी हदीसें जमा करूँ तो फिर तो और बहुत लंबा तवील दर्स हो जाएगा, तो इस दर्स को मैं कई पार्ट्स में करूँगा, आज पहला पार्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस आयत का माना यह है कि आप अपनी नबूवत के मुनकिरों से कहिए कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं खुदा हूँ जिसके मिल्क में आसमान और ज़मीन के ख़जाने हैं, और ना मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं अस खुद ऐसी गैब को जानता हूँ जिन गयूबात को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, हत्ता कि तुम मेरे दावे नबूवत की तकजीब करो, क्योंकि खुदा वही हो सकता है जिसकी मिल्कियत में कायनात की हर चीज़ हो और जिसके इल्म से कोई चीज़ छुपी हुई ना हो, यानी कि जिसका इल्म और उसकी कुदरत कामिल हो, खुदा वही हो सकता है। और ना मैं तुमसे यूं कहता हूं कि मैं कोई फ़रिश्ता हूं, क्योंकि मैं तो तुमको दिखाई देता हूं और फरिश्ते आम इंसानों को दिखाई नहीं देते। मैंने तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से जो पैगाम सुनाया है ये वही है जिसकी तरफ मेरी तरफ वही की गई थी, मैं सिर्फ वही है इलाही की पैरवी करता हूँ। मैंने जो दावा नबूवत किया है इस पर मैंने अल्लाह की तरफ से कवी और मुस्तहकम दलीलें पेश की हैं, ये कोई नया दावा नहीं है और ना अक्ल के ख़िलाफ़ है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए क्या वो लोग जो हक़ को और दलाइल को देखने से अंधे हैं, वो और वो लोग जो दलाइल को देखकर हक़ का एतराफ़ कर लेते हैं, दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम लोग मेरे दावे की सच्चाई और अपनी तकजीब के फसाद पर गौर नहीं करते? अब आइए इमाम फखरुद्दीन राजी ज़मीन में क्या लिखते हैं इस आयत के ज़मीन में। वो कहते हैं कि इस आयत के तीन जुमले दरअसल मुशरिकीन के तीन सवालात के जवाबात हैं। मुशरिकीन ये कहते थे कि अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो आप अल्लाह से हमारे लिए दुनिया के मनफियत और अच्छाइयाँ तलब करें, और ये कि अल्लाह हमारे लिए सआदतों के दरवाजे खोल दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आप इनसे कहिए मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने, अल्लाह ताला जिसको चाहता है मुल्क अता करता है, वह जिसको चाहता है इज्जत देता है और जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है, खैर उसी के हाथ में है मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ ख़जाने के मानी है ऐसी हिफाजत की जगह जहाँ लोगों के हाथ ना पहुँच सकें, ये माना है। अच्छा, फिर उसके अलावा वो ये कहते हैं कि नंबर दो मुशरिकीन ये कहते थे कि अगर आप दर हकीकत रसूल हैं तो आप हमें ये बताएं कि मुस्तकबिल में क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसानात होंगे, ताकि हम फवायद हासिल करने की तैयारी करें और नुकसानात से बचते रहें। अल्लाह ताला ने फरमाया, आप इनसे कहें कि मैं खुद गैब को नहीं जानता, तो तुम मुझसे उन उमूर के कैसे मुतालबा करते हो? नंबर तीन मुशरिकीन ये कहते थे कि ये कैसा रसूल है जो खाता भी है पीता भी है, यानी खाना भी खाता है पानी भी पीता है, और हमारे तरीक़े के तमाम मामलात हैं और बाज़ारों में चलते भी हैं और शादी भी करते हैं और लोगों के साथ भी रहते हैं। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इनसे कहिए कि मैं फरिश्तों में से नहीं हूँ, कि मैं खाने पीने से पाक हूँ और फिर अजवाज के रिश्तों से पाक हूँ। अच्छा, अल्लाह ताला ने नबी से इन तीन उमूर की नफ़ी कराई। इस नफ़ी कराने में क्या हिकमत है, इसके मुतालिक अकवाल जो हैं वो आपके सामने रखता हूँ। एक कौल तो ये आता है कि इससे मुराद ये है कि जो कि नबी अपनी तरफ से अल्लाह के सामने तवाज़ु और खुजू और खुशू का इजहार करता है, ताकि लोग आपके मुतालिक वो एतक़ाद ना कर लें। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में ये राय अमल इख्तियार फरमाई अल्लाह के हुक्म से, ताकि वो राय अमल जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मुतालिक किया गया था। अच्छा, कुफार मक्का आपसे बहुत ज़बरदस्त मौजिज़ों का इजहार का मुतालबा करते थे, ये कॉल नंबर टू है। वो कहते थे कि हम आप पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे हत्ता कि आप हमारे लिए ज़मीन में कोई चश्मा जारी करते, या आपके लिए खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो, फिर आप इसके दरमियान से कोई दरिया जारी कर दें, या जैसा कि आप कहते हैं आप आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हमारे ऊपर गिरा दें, या आप अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने बेहिजाब ले आए, या आपका सोने का घर हो, या आप आसमान पर चढ़ जाएं और हम आपके चढ़ने पर भी ईमान नहीं लाएंगे हत्ता कि आप हम पर एक किताब नाजिल करें जिसे हम पढ़ें। आप कहिए कि मेरा रब सुभान है, मैं तो सिर्फ बशर हूं। ये बनी इसराइल की आयत है, आया नंबर 90 से 93 तक अगर आप मुताला करें। तो यानी सिर्फ रिसालत और नबूवत का दावेदार हूँ, और जिन उमूर को तुम तलब कर रहे हो इनको अल्लाह की कुदरत के बगैर हासिल करना मुमकिन नहीं है। सो इस कलाम से मकसूद यह है कि जिन मौजज़ात का तुम मुतालबा कर रहे हो इनको हासिल करने के लिए मेरे पास मुस्तकिल कुदरत नहीं है। कॉल नंबर तीन जो इस ज़मीन में आता है, तीसरा कॉल, और इन तमाम अकवाल को ना तफसीर कबीर में जमा किया गया है। बहरहाल वो
तीसरा कौल यह है कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, इसका माना यह है कि मैं दावा नहीं करता कि मेरे पास ऐसी कुदरत है जो अल्लाह के शाया निशान है और ना मैं गैब जानता हूँ, इसका माना यह है कि मैं ये दावा नहीं करता कि मैं अल्लाह के इल्म से मुत्तसिफ हूँ, और इन दोनों जुमलों का हासिल ये है कि मैं उलूहियत का मुद्दई नहीं हूँ। तो तफसीर कबीर जिल्द नंबर 4 सफ़ा 47-48। अच्छा, इस पर काजी बैदावी की राय भी देख लेते हैं, अनवारु तंजील में जो आती है, वो कहते हैं कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, इसका माना यह है कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के मकदूरात और उसके खजाने हैं और मैं गैब नहीं जानता, इससे मुराद ये है कि जिस गैब की मेरी तरफ वही न की जाए या जिस गैब पर दलील अकली या समाई कायम ना हो, इसको मैं नहीं जानता। या मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं फरिश्तों की जिन से हूँ या जिन कामों पर फरिश्ते कादिर हैं उन पर मैं कादिर हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा होने और फरिश्ते होने के दावे से बरात का इजहार किया है और नबूवत का दावा किया है जो बशर के कमालात हैं। तो अनवारुत्तंजील में जो है जिल्द नंबर 2 सफ़ा 410-411 पर। अच्छा, अब आ जाए अल्लामा आलूसी ज़मीन में क्या फरमाते हैं रूहुल मानी की जिल्द 7 सफ़ा 155-156 पर। वो कहते हैं इसका माना यह है कि मैं दावा नहीं करता कि मैं अल्लाह ताला के अफ़ाल से मुतअल्लिक़ इल्म गैब को जानता हूँ, हत्ता कि तुम मुझसे सवाल करो कि क़यामत किस वक्त कायम होगी, अज़ाब किस वक्त नाजिल होगा। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि यह गैब कुफ़ार के अंजाम के साथ मखसूस है, यानी मैं इसका दावा नहीं करता और ना मैं फरिश्ते होने का दावा करता हूँ हत्ता कि तुम मुझे खिलाफ आदत अफ़ाल का मुकल्लफ़ करो, मसलन आसमान पर चढ़ने का, इससे ये वहम ना हो कि फरिश्ता नबी से अफजल होता है, क्योंकि शेर भेड़िया सांप और परिंदे ऐसे काम कर लेते हैं जो इंसान नहीं करता, लेकिन इसे लाजिम नहीं आता कोई इंसान से अफजल है। अच्छा, अब आ जाएं कि उलमाए देवबंद के नज़दीक इल्म गैब की नफी का क्या महमल है। इस आयत को उलमाए देवबंद ने भी इस पर महमूल किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतलकन इल्म गैब की नफी नहीं की गई, बल्कि मुस्तकिल और बिज़ात इल्म की नफ़ी की गई है या आपसे तमाम मालूमात इलाहिया की नफ़ी की गई है। मैं देवबंद वालों के राय क्यों यहाँ पर रख रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है, जैसा आप जानते हैं कि तफसीर के मैदान में मुख्तलिफ अक़वाल मैंने आपके सामने रखे, तो देवबंद के भी जो उलमा हैं उनके भी अक़वाल आपके सामने रखता हूँ, जैसा मौलाना मौदूदी का हम भी अक़वाल मैंने आपके सामने पहले रखे हैं, फिर उसके ऊपर हम अहले सुन्नत के हाँ जो उससे इख्तलाफ है वो भी रखा है, तो इसलिए रख रहा हूँ इल्म के लिए रख रहा हूँ। तो इनके हाँ जो अशरफ अली थानवी हैं उन्होंने बयान कुरान में इस आयत की तफसीर में ये लिखा है कि और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं तमाम गैबों को जो कि मालूमात इलाहिया में हैं जानता हूँ, जैसा कि कभी कभी बतौर इनाद इस किस्म की बातें पूछते हो कि क़यामत कब आएगी। अच्छा, इनके यहाँ एक और हैं देवबंद में, शब्बीर अहमद उस्मानी, नाम सुना होगा आपने, वो इस आयत की तफसीर में तफसीर उस्मानी में लिखते हैं कि यानी कोई शख्स जो मुद्दई नबूवत हो इसका यह दावा नहीं होता कि तमाम मकदूरात इलाहिया के ख़जाने उसके कब्ज़े में हैं, कि जब इससे किसी अमर की फरमाइश की जाए वो ज़रूर ही कर दिखलाए, या तमाम मालूमात गैबिया व शहादिया पर ख्वाह उनका ताल्लुक फ़राइज़ रिसालत से हो या ना हो उसको मुतल्ला कर दिया गया हो कि जो कुछ तुम पूछो वो फ़ौरन बता दे। इसी तरह इनके यहाँ एक और है मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी, उनका भी शायद नाम सुना हो आपने, मारिफुल कुरान में वो इसको यूँ लिखते हैं और ना मैं तमाम गैब की चीज़ों को जानता हूँ जो अल्लाह का खासा है। अच्छा, ये तो उलमाए देवबंद के इसके अंदर पहले मैंने आपको मुतकद्दिमीन की आरा बताई, उससे कबल मैंने आपको हमारे यहाँ अहले सुन्नत की आरा भी बताई, अब देवबंद की भी आपको तीन इनके यहाँ बड़े लोगों की आरा आपको बता दी है। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब का जो सबूत है, अब उस पर आते हैं कि मुफस्सिरीन कराम ने इस आयत में इल्म गैब की नफ़ी को मुतलकन इल्म गैब की नफ़ी पर महमूल नहीं किया, बल्कि इस इल्म गैब की नफ़ी पर महमूल किया है जो अल्लाह का खासा है। उसकी वजह यह है कि कुरान मजीद की दीगर आयात से वाज़े होता है कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसन और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम को उमूमन इल्म गैब अता फरमाया है। मिसाल के तौर पर सूरह आली इमरान उठा के देखें, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैक, ये गैब की बास खबरें जिस गैब की हम आपकी तरफ वही फरमाते हैं। फिर आप आ जाए अंबिया इकराम के इल्म का एक जरिया वही है, सो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गैब की वही की गई तो आपको गैब का इल्म हो गया। अच्छा, चूंकि शरह अकायद में लिखा हुआ है कि इल्म के तीन असबाब हैं, हवास सलीमा, खबर सादिक और अकल, ये शरह अकायद के सफ़र नंबर 10 पे लिखा हुआ है, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की खबरें दी गई तो आपको गैब का इल्म हासिल हो गया। अच्छा, कुरान मजीद में सूरह हूद में आ जाए, अल्लाह ताला फरमाता है ये गैब की बास खबरें हैं जिन खबरों की हम आपकी तरफ वही फरमाते हैं, तिलका मिन अंबाइल गैबी नूहीहा इलैक,
अच्छा, उमूमी तौर पर अंबिया को गैब पर मुतल्ला करने का जिक्र सूरह आल इमरान में आता है, वमा कानल्लाहु लियुत्लियाकुम अलल गैबी वलकिनल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह की शान नहीं कि वो तुम्हें गैब पर मुतल्ला करे, हाँ गैब पर मुतल्ला करने के लिए वो चुन लेता है जिसे चाहे और वो अल्लाह के रसूल है। सूरह आल इमरान की आयत है 179। फिर आ जाए सूरह जिन में, عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول। अल्लाह गैब का जानने वाला है, वो अपने गैब का किसी पर इजहार नहीं फरमाता। कुछ लोग बस यहीं इक्तफा करते हैं, आगे नहीं बताते आगे, सिवा उनके जिनको उसने पसंद फरमा लिया जो उसके रसूल हैं। तो बाज़ उलमा की तहकीक़ है, अल्लाह ने अम्बिया की तरफ सराहतन इल्म गैब की नस्बत नहीं की बल्कि इज़हार गैब और इत्तला अल गैब की नस्बत की है। इसलिए यूँ कहना चाहिए कि अम्बिया पर गैब ज़ाहिर किया गया या उनको गैब पर मुतल्ला किया गया, और चूँकि अल्लाह ने अपने गैर से इल्म गैब की बिला इस्तिस्ना नफ़ी फरमाई, इसलिए यूँ नहीं कहना चाहिए कि नबी को इल्म गैब है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि नबी को इल्म गैब दिया गया है, यानी इबारत में कोई ऐसा करीना हो जिससे मालूम हो कि इस इल्म से मुराद अताई है ना कि ज़ाती। ठीक है, तो ये बाज़ उलमा की तहकीक है। अब आ जाए इमाम अहमद रज़ा का, ये मुतवफ़ी 1340 हिजरी के, आप लिखते हैं अलमलफूज़ में जिल्द नंबर 3 सफ़ा 47, ये मतबूआ नूरी कुतुबखाना लाहौर से, कि इल्म जबकि मुतलक बोला जाए खुसूसन जबकि गैब की तरफ मुदाफ़ हो तो इससे मुराद इल्म ज़ाती होता है। इसकी तसरीह हाशिया कशाफ पर मीर सैयद शरीफ ने कर दिया रहमतुल्लाह अलैह, और ये यकीनन हक है। कोई शख्स किसी मखलूक के लिए एक जर्रे का भी इल्म जाती माने तो यकीनन काफिर है। अब आए अगले चलते हैं मुफ्ती मोहम्मद शफी दियोबंदी की तरफ, वो लिखते हैं मारिफुल कुरान में, इस मामले में किसी मुसलमान को कलाम नहीं हो सकता कि अल्लाह ने रसूल को गैब की हज़ारों लाखों चीज़ों का इल्म अता फरमाया था, बल्कि तमाम फरिश्तों और अव्वलीन और आखिरीन को जितना इल्म दिया गया इन सबसे ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म अता फरमाया गया है। यही पूरी उम्मत का अकीदा है। हाँ, इसके साथ ही कुरान और सुन्नत की बेशुमार तसरीहात के मुताबिक तमाम आइम्मा सल्फ़ व खल्फ़ का यह भी अकीदा है कि तमाम कायनात का इल्म मुहीत, इल्म मुहीत सिर्फ अल्लाह की मखसूस सिफत है, तमाम कुल इल्म अल्लाह के यहाँ। जिस तरह इसके खालिक और राज़िक क़ादिर मुतलक होने में कोई फरिश्ता या रसूल उसके बराबर नहीं हो सकता, इसी तरह इसके इल्म में मुहीत में भी कोई उसके बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह के सिवा किसी फरिश्ते या पैगंबर को लाखों चीज़ें मालूम होने के बावजूद इल्मुल गैब उसे नहीं कहा जा सकता। तो मारिफुल कुरान की जिल्द 3 सफ़ा 328 पर मुफ्ती मोहम्मद शफी दियोबंदी की ये उन्होंने इसकी तशरीह लिखी है। अच्छा, नबी पर इल्म गैब के इतलाक का अदम जवाज, अब हमारे नज़दीक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब साबित है। सुन्नी हज़रात के यहाँ कह रहा हूँ कि इल्म गैब हुजूर के लिए साबित है, इसके बावजूद हमारे नज़दीक आप पर आलिमुल गैब का इतलाक जायज़ नहीं है, क्योंकि आलिमुल गैब का लफ्ज़ उर्फ में भी और शरा में भी अल्लाह ताला के साथ ख़ास है, मुख्तस है। उसकी नज़ीर यह है कि मोहम्मद अज़्ज़ा वजल कहना जायज़ नहीं है, हालांकि आप अजीज़ो जलील हैं। इसी तरह मोहम्मद तबारक व ताला भी कहना जायज़ नहीं है, हालांकि आप बाबरकत भी हैं और बुलंद भी हैं, क्योंकि उर्फ और शरा में अज़्ज़ा वजल और तबारक व ताला अल्लाह के लिए ख़ास है। तो इसीलिए ऐसे तमाम अल्फाज से आपको बचना चाहिए जो आपको ऐसी जगह ले जाएँ जहाँ पर आप गुलू कर जाएँ। अब इमाम अहमद रज़ा अल-अमनी वल-अला की सफ़ा नंबर 203 पर लिखते हैं, मखलूक को आलिमुल गैब कहना मकरूह, और यूं कोई हर्ज नहीं कि अल्लाह के बताए से उमूर गैब पर इन्हें इत्तला है। इसी तरह मौलाना सरदार अहमद जो मुतवफ़ी हैं 1382 हिजरी के, वो लिखते हैं मुनाज़रा बरेली में सफ़ा 106 पर कि लफ्ज़ आलिमुल गैब का इतलाक़ हम भी उर्फ़न गैर खुदा अज़्ज़ा वजल पर नहीं करते। यानी अहले सुन्नत का अकीदा है ये कि आलिमुल गैब का इतलाक गैर खुदा पर नहीं किया जाता। तो नबी के इल्म गैब के मुतालिक अहले सुन्नत का मसलक क्या है? तो इमाम अहमद रज़ा से स्टार्ट करते हैं। आप लिखते हैं, नंबर एक, बिलाशुबा गैर खुदा के लिए एक ज़र्रे का इल्म ज़ाती नहीं, इस कदर खुद ज़रूरियात दीन से है और मुनकिर कुफ काफिर है। नंबर दो लिखते हैं, बिलाशुबा गैर खुदा का इल्म मालूमात इलाहिया को हावी नहीं हो सकता।
मसावी तो दरकिनार तमाम अव्वलीन व आखरीन व अम्बिया व मुरसलीन व मलाइका मुकर्रबीन सब के उलूम मिलकर उलूम इलाहिया से वो निस्बत नहीं रख सकते जो करोड़ा करोड़ों समंदरों से एक जर्रे से बूंद के करोड़वें हिस्से को, कि वो तमाम समंदर और ये बूंद का करोड़वां हिस्सा दोनों मुतनाही हैं और मुतनाही को मुतनाही से निस्बत ज़रूर है। बखिलाफ उलूम इलाहिया के गैर मुतनाही दर गैर मुतनाही दर गैर मुतनाही हैं और मखलूक के उलूम अगर चे अर्श व फर्श व शर्क व गर्ब व जुमला कायनात अज रोज अव्वल त रोज आखिर को मुहित हो जाए आखिर मुतनाही हैं कि अर्श व फर्श दो हदें हैं, शर्क व गर्ब दो हदें हैं, रोज अव्वल और रोज आखिर दो हदें हैं और जो कुछ दो हदों के अंदर है सब मुतनाही है, यानी कि मखलूक के इल्म की इंतहा है क्योंकि उसके अंदर बाउंड्री है और खालिक का इल्म गैर मुतनाही है, इन्फिनिट है, इसलिए कोई मुशाबियत ही नहीं और अल्लाह ताला ही की अता से है जो इल्म अता हुआ है मखलूक को। तीसरी बात आप लिखते हैं कि यूं ही इस पर इजमा है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दिए से अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कसीर और वाफिर गैबों का इल्म है, ये भी ज़रूरियात दीन से है, जो इसका मुनकर व काफिर है कि इसके सिरे से नबूवत ही का मुनकर है, इस पर भी इजमा है। नंबर चार कि इस फजले जलील में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा तमाम अंबिया तमाम जहान से अतम व आज़म है, अल्लाह अज़्ज़ वजल की अता से हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने गैबों का इल्म है जिनका शुमार अल्लाह अज़्ज़ वजल ही जानता है, मुसलमानों का यहाँ तक इजमा था। तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने ये जो चार नुकात लिखे हैं ये खालिसुल एतिकाद में लिखे हैं, सफ़ा नंबर 38-39। मकसद क्या है इस तवील आधे घंटे की बहस का कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम का इल्म गैब गैर मुतनाही नहीं है, मुतनाही है, अताई है, अताई है, अल्लाह की तरफ से अता है, उस इल्म की इंतहा है, लेकिन उस इल्म की इंतहा क्या है वो अल्लाह जानता है। मसला कहाँ होता है कि जब मखलूक जो नीचे दर्जे की है वो हुजूर के इल्म पर कलाम करे और उसको इंतहा बांधे, यहाँ प्रॉब्लम होती है। भाई जब तुम्हें उस इल्म के बारे में ख़बर ही नहीं तो तुम इंतहा कैसे कर सकते हो? भाई तुमने सफ़ा पढ़ा है, किताब के दो सफ़ात तुम्हें दिए गए हैं, ठीक है, वो हर सफ़े पे एक नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर, अब तुम्हें पूरी किताब नहीं दी गई तो तुम कैसे बता सकते हो कि इस किताब में 500 सफ़ात हैं या 1000 हैं? तुम एक अंदाज़ा तखमीना लगा सकते हो, हतमी तो कुछ नहीं है ना, हतमी तो उसी के पास होगा जिसके पास पूरी किताब होगी और वो पूरी किताब सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पास है कि मैंने अपने नबी को कितना इल्म दिया है वो अल्लाह जानता है, तुम्हें नहीं बताया। जो तुम्हें बताया नहीं, जब आपको बताया ही नहीं तो आप क्यों इजहार कर रहे हैं? इसीलिए कहा कि देखो ऐसी बात नहीं है। अब इस आयत में और भी नुकात निकलते हैं, मिसाल के तौर पर इस आयत के आखिर में आता है कि आप कहिए मैं सिर्फ उसी चीज़ की पैरवी करता हूँ जिसकी मेरे तरफ वही की जाती है, आप कहिए क्या अंधा और देखने वाला बराबर हैं, क्या तुम गौर नहीं करते? तो अब इसके अंदर एक बड़ा अहम नुक्ता आता है, क्या नबी का इत्तबाई वही करना आपके इज्तिहाद के ख़िलाफ़ है? ये बड़ा अहम नुक्ता है, इस पर गौर कीजिएगा। अगले दर्स में मैं तफसील पर इससे बात करूँगा कि क्या नबी का इत्तबाई वही करना आपके इज्तिहाद के मुनाफी है, तो क्या नबी इज्तिहाद कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है तो क्या यह कुरान करीम की इस आयत से टकराता है? आपका वही की इत्तबा करना इज्तिहाद के मुनाफी नहीं है तो फिर इस पे दलाइल क्या है? इज्तिहाद होता क्या है, उसकी उलमा के नज़दीक तारीफ क्या है, नबी के इज्तिहाद के मुतालिक उलमाए इस्लाम के फिर दीगर क्या आ रहा है, नबी के इज्तिहाद के आदम जवाज के कायलीन क्या कहते हैं और नबी के इज्तिहाद के जवाज के कायलीन क्या कहते हैं, नबी के इज्तिहाद के मुतालिक तवक्कुफ के कायलीन क्या कहते हैं, ये तमाम आरा है। नबी के इज्तिहाद के वकूअ के मुतालिक मजाहिब के उलमा क्या कहते हैं, नबी के इज्तिहाद के वकूअ के सबूत में अहादीसें क्या हैं, ये तमाम मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिन पर इंशाअल्लाह ताला मैं बात करना चाहता हूँ अगले दर्स में, इंशाअल्लाह ताला आज के दर्स में नहीं। तो ये पॉइंट्स आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता हो कि अभी इस टॉपिक पर दर्स जारी है और इन इस आया मुबारका के इस टुकड़े पर इंशाअल्लाह ताला फिर अगली दफ़ा मैं बात करने की कोशिश करूँगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा
कि आपको इस आयत मुबारक की जितनी तफसीर अभी तक मैंने बयान की है वो कैसी लगी, उसके अंदर आप क्या राय रखते हैं कि आपको इससे फ़ायदा हुआ, आप इसके अंदर मज़ीद इल्म में इजाफ़ा हुआ। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला आपसे बात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।